बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फजल रहमान मेमन है। मैं हैदराबाद में प्राइवेट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और हैदराबाद में प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। उससे पहले मैं चीफ कार्डियोलॉजिस्ट और मेडिकल सुपरिटेंडेंट रेड क्रिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में यूनिट नंबर 2 लतीफाबाद में था और तकरीबन 25 साल मैंने वहाँ खिदमत अंजाम दी है। आज मैं आपसे ब्लड प्रेशर के बारे में चंद बातें अर्ज करूँगा। ब्लड प्रेशर एक बहुत ही आम बीमारी है और इसको खामोश कातिल कहा जाता है, इसलिए कि 70-80% लोगों को इसकी कोई निशानी नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, इसलिए वो आमतौर पर इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, ख्याल भी नहीं रखते। अगर आप एदाद व शुमार देखें तो पाकिस्तान में 20% पॉपुलेशन में ये ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है। 30 साल से ज़्यादा उम्र में हर तीसरे बंदे को ब्लड प्रेशर है और 50 साल से ज़्यादा उम्र के हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर है। अब ये है कि जब ये ब्लड प्रेशर होता है तो इसलिए लोगों को सिम्टम को निशानियाँ नहीं होती तो आमतौर पर इलाज नहीं करते, इसलिए इसको खामोश कातिल कहा जाता है। अगर ये तकलीफ़ें कब तब पैदा होती हैं, जब कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होती हैं। ब्लड प्रेशर के आमतौर पर 4 हमारे टारगेट ऑर्गन्स हैं। एक दिल है जिसमें लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है अगर इलाज नहीं किया। दूसरा हमारा ब्रेन है जिसमें फॉलेज हो जाता है, हेमरेज हो जाता है। तीसरा बाजू है किडनी पे इफेक्ट होता है, जो किडनी फेलियर में चला जाता है, वो भी लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। और चौथा ये है कि आँखों पर असर होता है, आँखों में बिनाई चली जाती है। तो ये 4 उसके मेन टारगेट्स हैं जिस पर ये ब्लड प्रेशर असर करता है, इसलिए उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। अब ये है कि जब इसकी निशानियाँ ना हैं तो लोगों को पता कैसे पड़े, इसलिए हमारी रिकमेंडेशन ये है कि हर 30 साल के बड़ा बंदा जो है वो कम से कम महीने में और 3 महीने में एक दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराए, चाहे उसको तकलीफ हो चाहे नहीं हो। अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते होंगे, वहाँ पर अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं। और जिसकी उम्र 50 साल है वो कम से कम हर महीने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराए कि पता पड़े उसको ब्लड प्रेशर है। जब एक दफ़ा ब्लड प्रेशर तशीस हो गया तो उसका इलाज लाइफ लॉन्ग है, पूरी ज़िंदगी इलाज करना है। ये नहीं है कि भाई ये बीमारी क्योरेबल नहीं है, ख़त्म होने वाली नहीं है, ये बीमारी जो है कंट्रोलेबल है। दवाई खाएंगे तो बिल्कुल सही रहेंगे, हर कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे, अपनी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। और इसका अब से ये सवाल पैदा होता है कि इतनी बीमारी कॉमन क्यों है। उसके मेन तो एक तो ये मौरूसी असबाब है, दूसरा ये है कि वो तो हो जाएगी आपको, लेकिन ये है कि उसको बचा जा सकता है, जितना डिले हो सकता है उतना डिले हो सकती है। दूसरा जो पेशेंट शुगर के मरीज़ हैं उसमें 50% लोगों को ये बीमारी हो जाती है। तीसरा ये हमारी जो ऑर्गन ग़ज़ाएँ हैं उससे हो जाती है, जो ग़ज़ाएँ हमारे आमतौर में खाते हैं जिसमें ज़्यादा घी वगैरह होता है और ये बाकी जो है ये गोश्त वगैरह ज़्यादा नमक खाते हैं या फास्ट फूड लेते हैं, तो इससे फ़र्क पड़ता है। और दूसरा ये है कि जो आप अपनी वर्जिश एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, तो इसलिए अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर वॉक करें, इन जो मोरगन ग़ज़ाओं से बचें, अपनी ज़िंदगी को आराम से रखें, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और वरना जिनको होनी है मौजूदी है उसमें डिले हो सकती है, जितनी देर से होगी तो आपकी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हैं। अब ये होता है कि भाई आप इलाज क्या करें। इलाज आप जो इलाज के मुख्तलिफ इसके दवाइयाँ हैं जो आपका डॉक्टर जो है आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी और की बीमारी साथ है या नहीं उसके हिसाब से तशीस करेगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि दवाई आपको पूरी ज़िंदगी खानी है, डॉक्टर के हिदायत पर अमल करना है। कुछ ड्रग्स के अगर कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो दवाई बंद नहीं करें, अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें, वो दवाई आपको बदल के दे देगा। तो ये इसका मेन चीज़ ये है कि आप इसका इलाज लाइफ लॉन्ग करें। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो दवाई का डोज भी कम हो जाएगा, ब्लड भी कंट्रोल। एक्सरसाइज करें और दवा परहेज करें तो इससे आपको काफ़ी डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन में कमी आ जाएगी और अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकेंगे। मेहरबानी।